नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूँ सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम मनोविज्ञान का पेपर नंबर 27 हल करने वाले हैं। पूरे के पूरे 30 प्रश्न आपको इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे, जो कि मनोविज्ञान के संपूर्ण सिलेबस से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इसके पहले के यदि 26 टेस्ट आप करना चाहते हो, तो वीडियो के लास्ट में मैंने एक प्लेलिस्ट लगाई है, वहाँ से टच करके पिछली 26 क्लासें आप देख सकते हो। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होंगे, चाहे वो रीट पात्रता परीक्षा 2022 हो या उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम होगा 2022 वाला वो हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, सभी में साइकोलॉजी के प्रश्न आते हैं। तो निश्चित रूप से साइकोलॉजी को अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए इस टेस्ट सीरीज को लगातार ज्वाइन करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आपके पहला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए। देखिए, पियाजे मुख्य रूप से, जीन पियाजे का नाम आपने किस क्षेत्र में पढ़ रखा है साथियों? तो जीन पियाजे का जो नाम आता है वो मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में आता है, क्योंकि जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था और इसमें इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाओं का वर्णन भी किया था। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो देखिएगा, आपके प्रश्न संख्या 2 है, शोधन निम्नलिखित में से क्या है? पहला विकल्प, जब चेतना के व्यवहार अर्धचेतन में प्रतीत होते हैं तो उसे शोधन कहा जाता है। दूसरा विकल्प है, जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है। तीसरा विकल्प है, जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता है और इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? शोधन, जिसको हम मार्गांतिकरण भी कहते हैं, इसका जो सही अर्थ होता है वो है विकल्प नंबर 2 में, जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है तो उसको ही शोधन कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा इस चीज़ को। सेकंड विकल्प दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। तो तीसरा प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध किससे है? नैतिकता से, इदम से, अहम से और परा अहम से। देखिए, मनोविश्लेषणवादी मतलब सबसे पहले नाम आता है सिगमंड फ्रायड का। साथियों, जो अतृप्त असामाजिक इच्छाएं, ठीक है, अतृप्त मतलब जिनकी पूर्ति नहीं हुई है, और असामाजिक जो समाज के नियमों के विरुद्ध हो, ऐसी इच्छाओं का संबंध नैतिकता से तो कदापि नहीं हो सकता, ना ही परा अहम से हो सकता है। सामाजिक रूप से अहम सिखाता है, लेकिन ये जो असामाजिक चीज़ें हैं, अतृप्त चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में हम दबा लेते हैं, तो इसका संबंध इदम से होता है, हमारे अचेतन मन से होता है साथियों, ठीक है, अचेतन मन से। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे, यहाँ सेकंड विकल्प तीसरे में सही है। प्रश्न नंबर 4 है, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं, दोनों को देखा जा सकता है और दोनों एक दूसरे के प्रियाई है। तो देखो, एक होती है वृद्धि और एक होता है विकास। एक बालक की उम्र 15 साल है, बालक का वजन 50 किलो है, उसकी ऊंचाई 5 फुट 10 इंच है, इस प्रकार ये चीज़ें जो है ये वृद्धि है साथियों। बालक कितना मतलब चीज़ों को सीखने लग गया है, कितने जल्दी चीज़ों को समझने लग गया है, क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या परिवर्तन उसमें आया है पहले की अपेक्षा वर्तमान में, यह होता है विकास। तो अगर हम बात करें वृद्धि विकास के संदर्भ में क्या सही है, तो दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, गलत है। क्यों? क्योंकि आप वृद्धि का तो प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हो, लेकिन विकास का नहीं। दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं, गलत, क्योंकि विकास तो जीवन पर्यंत चलता है लेकिन वृद्धि नहीं। दोनों को देखा जा सकता है, गलत है, क्योंकि वृद्धि को देख सकते हो, विकास को नहीं देख सकते, लेकिन दोनों फिर भी एक दूसरे के पर्यायी माने जाते हैं साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। जिस प्रश्न पर डाउट हो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। पांचवा प्रश्न है, आकस्मिक विकास का संबंध है शेषावस्था से,
बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से और प्रौढ़ावस्था से। आकस्मिक का मतलब होता है तीव्र गति से। साथियों आकस्मिक विकास का सिद्धांत यहाँ पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था से संबंधित नहीं है, बल्कि आकस्मिक विकास का संबंध किशोरावस्था से है, क्योंकि आकस्मिक विकास का सिद्धांत यहाँ पर किशोरावस्था के लिए दिया गया है कि जब बालक किशोर अवस्था में होता है तो उसका जो विकास है वो आकस्मिक रूप से होता है, अचानक से। थर्ड विकल्प आपके पांचवें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर छः पे आते हैं। तो आपके छठा प्रश्न असुमेलित है, मतलब जो गलत है उसको आपको देखना है। वायलिन वादक, तबला वादक, संगीतक की बुद्धि इनमें पाई जाती है। वैज्ञानिकों में, गणितज्ञ में तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। परामर्शी, राजनीतिज्ञ और धार्मिक नेता में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। और दार्शनिक, आध्यात्मिक व्यक्ति इनमें अंतः व्यक्ति बुद्धि पाई जाती है। तो बताओ आपको इनमें से कौन सा असुमेलित लग रहा है। साथियों अगर हम बात करें तो वायलिन वादक, तबला वादक, इन सभी में संगीतक की बुद्धि, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर वैज्ञानिकों में, गणितज्ञ में तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। जो दार्शनिक होते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों के मन को अच्छी तरह से समझना जानते हैं, इनमें अंतः व्यक्ति बुद्धि पाई जाती है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो तीसरा विकल्प दे रखा है, धार्मिक नेता, राजनीतिज्ञ और परामर्शक, इनमें स्थानिक बुद्धि, तो ऐसा नहीं होता है, इसमें स्थानिक बुद्धि नहीं पाई जाती है। तीसरा विकल्प आपके छठे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर सात पर। तो यह थर्ड विकल्प सही रहेगा छः में। सातवां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर सात। भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के तीन अवयव है पित्त, कप और वात। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है घटना क्रियाशास्त्र सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, शीलगुण सिद्धांत और मनोविश्लेषण सिद्धांत। देखो मनोविश्लेषण में तो कहीं से कहीं तक पित्त, कप और वात की बात नहीं की गई है, आपका उत्तर ये नहीं होगा। शीलगुण के सिद्धांत में भी ऐसा नहीं बताया गया है। साथियों फिर इसका जो सही आंसर है वो रहेगा, ये चीज़ें प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत आती है, व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत। सेकंड विकल्प आपके सातवें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आठ पे आते हैं। तो आपके आठवां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर आठ है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। देखिएगा विकल्पों को, वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में और शैशवावस्था में। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर बताओ। साथियों देखो व्यावसायिक समायोजन, शैशवावस्था में तो व्यवसाय से कुछ मतलब नहीं होता है। वृद्धावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था, बाल्यावस्था में भी व्यवसाय नहीं होता है। अब यहाँ किशोरावस्था या वृद्धावस्था, तो आपका सही उत्तर है किशोरावस्था में जो बालक है वो व्यावसायिक समायोजन की व्यावसायिक समायोजन का सामना करता है कि भाई मैं आगे जाके क्या करूँगा, मैं किस क्षेत्र में जाना है, मुझे क्या क्या करना है, ऐसी चीज़ें उसके सामने आती है। तो सेकंड विकल्प आपके आठवें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर नौ को देखेंगे, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। संवेगों का प्रबंधन, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना और सजीवों में विभेदन करने की क्षमता। तो नौवें प्रश्न का उत्तर दीजिए साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। देखो संवेगात्मक बुद्धि जो है, इसमें व्यक्ति व्यावहारिक चीज़ें करता है और इसी के अंतर्गत वह अपने संवेगों का भी प्रबंधन करता है, स्व अभिप्रेरित होता है, दूसरों के संवेगों को अपने संवेगों के माध्यम से पहचानता है। लेकिन सजीवों में विभेदन करने की क्षमता संवेग से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका संबंध संज्ञान से है, हमारे मानसिक विकास से है। साथियों तो यह जो चौथा विकल्प है, इसका संवेगात्मक बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। चौथा ही विकल्प आपके नौवें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दस को देखेंगे। तो आपके दसवां प्रश्न है, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। प्रक्षेपी विधि है, अर्ध प्रक्षेपी विधि है, अप्रक्षेपी विधि है और व्यक्तिगत विधि है। देखो प्रश्नावली विधि की बात की जाती है, तो प्रश्नावली को जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है, प्रश्नावली को उसको घर पर दी जाती है। साथियों उसके घर भेजी जाती है, जहां प्रश्नावली को हल करके वापिस जहां से आई है वहां पर भेज देता है और उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। अगर हम बात करें इसकी कि भाई ये किस प्रकार की विधि है, तो इसको व्यक्तिगत विधियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चौथा विकल्प आपके दसवें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। तो साथियों 11वां प्रश्न है आपके, एक पुरुष किसी ऐसी महिला से विवाह करना चाहता है जिसे घरवाले पसंद नहीं करते, उक्त व्यक्ति के अंदर द्वंद्व का कौन सा रूप होगा। उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व और इनमें से सभी। देखो
एक तरफ तो क्या है, व्यक्ति किस महिला से शादी कर रहा है जिसको वो पसंद करता है, लेकिन दूसरी बात क्या हो रही है कि घर वाले उसे पसंद नहीं करते। तो मतलब पहले तो उसको क्या हो रहा है, उपागम हो रहा है साथियों, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, परिहार, क्योंकि घर वालों से दूरी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये उपागम परिहार का ये द्वंद्व का उदाहरण है। थर्ड विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। तो 12वां प्रश्न है, छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, यह किस उपागम की विशेषता है? तो प्रणाली उपागम, निर्मितवाद उपागम, मृदु उपागम और मल्टीमीडिया उपागम। छात्र क्या कर रहे हैं, सक्रिय मतलब खुद क्रिया करके सीख रहे हैं, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं और फिर समस्या का समाधान करने के लिए निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अध्यापक क्या कर रहा है, सुविधा प्रदाता मतलब बीच बीच में अगर छात्रों को कोई तकलीफ आ रही है तो बीच बीच में वो छोटी छोटी उनकी हेल्प कर देता है। तो इस प्रकार जो चीज़ें होती है इसको हम निर्मितवाद उपागम के नाम से जानते हैं। 12वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। तो आपके 13वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा के संबंध में भूख व प्यास कर्मिक है, आवश्यकता व अंतर्नोद, अंतर्नोद व आवश्यकता, अंतर्नोद व मूल प्रति और अंतर्नोद व अंतर्नोद। तो 13वें प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। देखिएगा, भूख और प्यास ये कोई दोनों आवश्यकता नहीं है साथियों। आवश्यकता तो क्या है, भोजन की, पानी की, ठीक है। और जो भोजन और जो पानी है इसको हम क्या कहेंगे, लेकिन यहाँ भोजन और पानी की नहीं पूछ रहे, भूख और प्यास की कर रहे हैं। तो जो चीज़ हमें क्रिया करने के लिए उत्तेजित करती है उसको हम अंतर्नोद कहते हैं साथियों। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता है तो क्या लग रही है, भूख लग रही है। अब भूख हमें उत्तेजित कर रही है भोजन प्राप्ति हेतु, तो भोजन को हम क्या कहेंगे, अंतर्नोद। उसी प्रकार प्यास को भी क्या कहेंगे, अंतर्नोद कहेंगे। तो आपके 14वां विकल्प प्रश्न नंबर 13 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। आपके 14वां प्रश्न है, SIQE का पूरा नाम क्या है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा है स्टाफ इंटेंसिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तीसरा है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वांटिटी एजुकेशन और चौथा है स्टेट इंटरनेट फॉर क्विज एजुकेशन। तो बताओ, SIQE का नाम आपने सुन रखा होगा, जैसे CC वगैरह होती है, SIQE भी होता है साथियों। तो इसका पूरा नाम आपको बताना है 14वें प्रश्न में, और इसका जो सही उत्तर होगा स्पेशल तौर पे याद रखना है आपको, एस से बनता है स्टेट, क्या बनता है साथियों, स्टेट बनता है, आई से इनिशिएटिव बनता है, क्या बनता है, इनिशिएटिव बनता है, फिर क्यू से क्वालिटी बनता है और ई से एजुकेशन बनता है, अर्थात स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE का पूरा नाम है। विकल्प एक आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। तो 15वां प्रश्न क्या है, जब बालक दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी तथ्य या वस्तु के गुण दोष या सही गलत होने का पता लगाता है तो वह किस चिंतन को काम में ले रहा है, यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। 15वें प्रश्न को एक बार वापस पढ़ लीजिएगा और इसके सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए, बालक क्या कह रहा है, तथ्यों के आधार पर किसी तथ्य या वस्तु के गुण दोष या सही गलत होने का पता लगाता है, ठीक है, कि उसका गुण दोष क्या है, सही गलत क्या है, इस चीज़ के आधार पर मतलब उसकी जानकारी पूरी लेता है और उसके बाद में वो निष्कर्ष निकालता है। तो ऐसे चिंतन को हम कहेंगे आलोचनात्मक चिंतन। क्या कहते हैं, आलोचनात्मक चिंतन, क्योंकि आलोचनात्मक चिंतन में किसी भी चीज़ के बारे में गुण दोष देखे जाते हैं, सही गलत देखा जाता है, उसके बाद में ही कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। तो 15वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। साथियों, 16वां प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन एम कोरे से संबंधित है, आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारगत अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और वैज्ञानिक अनुसंधान। देखो, स्टीफन एम कोरे के द्वारा जो अनुसंधान दिया गया था वो है क्रियात्मक अनुसंधान, जिसमें विद्यालय की जो कार्यप्रणाली है, विद्यालय में जो समस्या आ रही है उसको दूर करने का कार्य किया जाता है, यह सिर्फ विद्यालय स्तर पर ही होता है। तो थर्ड विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 है, निष्ठा का संबंध है शिक्षक प्रशिक्षण मोबाइल ऐप से, NCERT वीडियो ई कंटेंट से, स्कूल व उच्च शिक्षा के ऑनलाइन कोर्स से और RBSE ई कंटेंट कक्षा 6 से 10 तक इससे। तो बताइए प्रश्न नंबर 17 में कौन सा विकल्प सही है।
साथियों 17वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो निष्ठा ट्रेनिंग का नाम है साथियों, और यह शिक्षक प्रशिक्षण मोबाइल ऐप है होता है। क्या होता है? शिक्षक प्रशिक्षण मोबाइल ऐप, जिसमें शिक्षकों के द्वारा किस प्रकार से किन किन चीज़ों को ऐड करते हुए बच्चों को पढ़ना है ये चीज़ें सिखाई जाती है। तो प्रथम विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। स्वली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है, मानव की आंतरिक अभिप्रेरणा की, मानव की भाषा संबंधी होती है, काल्पनिक इच्छाओं की होती है या वास्तविक स्थिति की। तो देखो स्वली चिंतन, और एक होता है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी मतलब वास्तविक चिंतन। तो यथार्थवादी में तो वास्तविक स्थिति की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन जो स्वली चिंतन है साथियों इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो इसकी इसकी जो अभिव्यक्ति होती है इसमें वो होती है काल्पनिक इच्छाओं की, कि जिन चीज़ों के बारे में हम कल्पना करते रहते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो मिल जाए, कल्पना के माध्यम से जीते रहते हैं साथियों, उसको ही स्वली चिंतन के नाम से जाना जाता है। विकल्प 3 आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। तो आपके 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19, नक्शे का अध्ययन कर एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर का रास्ता नक्शे से सीख लेता है, यह है अधिगम, बुद्धि, निष्पादन और व्यक्तित्व। साथियों अधिगम और निष्पादन अलग अलग होता है। निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस, किसी विशेष समय में आप किस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं। यहाँ पर व्यक्ति नक्शे का अध्ययन कर लिया उसने, और फिर वो दोस्त के घर जा रहा है, मतलब उसने उस चीज़ को सीख लिया है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया गया है ये अधिगम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये अधिगम का। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 19 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। 19वें में प्रथम विकल्प सही है साथियों। तो 20वां प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अधिगम से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम निष्पादन के समान है, अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है, और पूर्व अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। तो साथियों सत्य कथन बताना है आपको। देखो पूर्व अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है, हो सकता है। अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है, अधिगम निष्पादन के समान है, तो भाई निष्पादन के समान नहीं है, निष्पादन से तो भिन्न है, अभी मैंने ऊपर के प्रश्न में ही बताया था। तो यहाँ पर ये तो हो गया गलत। अधिगम से व्यवहार में अस्थायी नहीं स्थायी परिवर्तन आता है, ये भी हो गया गलत। तो देखो तीसरा या चौथा, तो 20वें प्रश्न में आपके जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। पूर्व अनुभव के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन हमारे आते हैं साथियों उसको ही अधिगम कहा जाता है। चौथा विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण नहीं, बल्कि अधिगम जो है वो हमारे पूर्व अनुभव, हमारे अभ्यास, हमारे प्रशिक्षण इत्यादि के कारण स्थायी परिवर्तन आता है, तो उसको हम अधिगम कह सकते हैं। चौथा विकल्प यहाँ सही है साथियों प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां प्रश्न देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना किस अवधि में विकसित होती है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना साथियों, जिसमें बालक परिकल्पना का निर्माण कर लेता है जब वस्तु उसके सामने नहीं हो, मतलब वो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। संवेदी प्रेरक अवस्था में तो वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा, ना ही पूर्व में ना ही मूर्त में, बल्कि जो चौथी और अंतिम अवस्था है जो 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच लगभग चलती है, इसमें बालक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको कहते हैं अमूर्त चिंतन कर पाता है। तो आपके 22वें प्रश्न में फिर कौन सा आंसर सही रहेगा? चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 22 में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों, अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिकरण, समावेशन, मुख्यधारा से जोड़ना और विभेदीकरण। बच्चे क्या कर रहे हैं साथियों, उनकी जो आदतें हैं, उनके जो कौशल है, जिन मूल्यों को मानते हैं, अभिप्रेरणा है, ये चीज़ें विकसित हम बच्चों में करते हैं, और वो ये जो चीज़ें हैं बालक को समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बना रही है। तो विभेदीकरण या समावेशन नहीं कहलाएगा, बल्कि इसको सामाजिकरण कहा जाएगा, कि बालक का क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सामाजिकरण किया जा रहा है। 23वें में आपके प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो 24वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 24 है, अच्छी तरह से पढ़िएगा प्रश्न को।
मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? कि भाई जो अनुवांशिकता है, जो पर्यावरण है, इनका मानव विकास के संदर्भ में किसकी भूमिका कितनी है, कितनी नहीं है, आपको सही कथन की पहचान यहाँ पर करना है। तो पहला कथन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण अनुवांशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्पर क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं और इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसा है कि इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प तो आपको हटा देना है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण अनुवांशिकता ही नहीं होती है, साथियों वातावरण भी होता है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा या तीसरा आंसर, तो साथियों प्रश्न नंबर 24 में आपका सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, जो अनुवांशिकता है और जो पर्यावरण है, मतलब जो वातावरण है और जो अनुवांशिकता है, दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया मानी जाती है और ये दोनों ही मानव विकास को प्रभावित करती है। तो 24वें में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। साथियों 25वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 25। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को दोहराया जाता है और शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो देखो प्रगतिशील कक्षा है, ठीक है, वहाँ पर निष्क्रिय रूप से ज्ञान नहीं दिया जाएगा बल्कि सक्रिय रूप से, वहाँ ज्ञान को बार बार दोहराएंगे नहीं, कंठस्थीकरण पर बल नहीं दिया जाएगा साथियों, बल्कि वहाँ पर शिक्षक, देखो पहला या चौथा में सही रहेगा, तो सही आंसर है विकल्प नंबर 1, छात्र के द्वारा ज्ञान की संरचना स्वयं की जाती है, मतलब छात्र एक तरह से सक्रिय होकर के ज्ञान का निर्माण करते हैं। विकल्प 1 आपके 25वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे, तो साथियों 26वां प्रश्न है आपके, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई, ये सभी किसके सूचक है? एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, एक स्वलीन विद्यार्थी के, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, और इनमें से सभी। तो भाई सृजनात्मक के ये लक्षण आप नहीं कह सकते कि पढ़ने के प्रति उनमें चिंता है, शब्द अक्षरों को नहीं पहचान पा रहे हैं, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है, पढ़े हुए पाठ को नहीं समझ पा रहे हैं, याद करने में कठिनाई आ रही है, साथियों वो सृजनात्मक विद्यार्थी तो हो ही नहीं सकता। पहला गलत, तो चौथा भी गलत। अब दूसरा या तीसरा, 26वें प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। साथियों यहाँ पर स्वलीन विद्यार्थी का ये लक्षण नहीं है बल्कि उपरोक्त जो लक्षण दे रखा है ये अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थियों के लक्षण है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 26 में सही है, जो बालक अधिगम अशक्तता से ग्रस्त होते हैं उनमें पढ़ने के प्रति चिंता होती है, वो शब्दों या अक्षरों को पहचानने में उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, निम्न स्तरीय शब्दावली उनकी होती है, पढ़े हुए पाठ को समझना में, पढ़े हुए पाठ को याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई उनको आती है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं, तो 27वां प्रश्न देखेंगे, थोड़ा बड़ा है प्रश्न, अच्छी तरह से देखिएगा साथियों। 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? पहला कारक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने तो परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। दूसरा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा है, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना चाहिए। और चौथा है, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल से एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना चाहिए। बताओ भाई सार्थक अधिगम का पक्ष इनमें से कौन सा कथन ले रहा है साथियों? परीक्षणों की संख्या बढ़ा रहे हो तो क्या उससे बालक अभिप्रेरित होंगे? ऐसा कुछ संभव नहीं है। अभिप्रेरित करने हैं तो पुरस्कार दे रहे हो, मतलब बाह्य अभिप्रेरणा जो कि ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होती है। व्याख्यान विधि सही नहीं मानी जाती है साथियों। राइट आंसर है फिर कौन सा विकल्प बच रहा है आपके? चौथा, जो विषय वस्तु है और जो बच्चे हैं इनका संपूर्ण कुशल से अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार हमें रखना चाहिए, तब जाके बच्चे सार्थक अधिगम कर पाएंगे। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 27 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 28 पर, तो 28वां प्रश्न देख लेते हैं। संरचनावादी उपागम बताता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड और यंत्रवत याद रखना। संरचनावादी उपागम क्या कहता है कि दंड जरूरी है ज्ञान की रचना के लिए? नहीं है साथियों, ऐसा इनका मानना नहीं है। अब पहला, दूसरा या चौथा, यंत्रवत याद करना रटना हो गया तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। पहला या दूसरा कौन सा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 28 में? तो 28 में देखिएगा, जो संरचनावादी उपागम है ये क्या कहता है
कि जो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान है ये ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी भी चीज़ को वो सीख रहा है, यदि उसने उस चीज़ को पहले पढ़ रखा है तो इजीली उस चीज़ को वो सीख पाएगा। विकल्प ए का आपके 28वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। तो 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक विकास एवं वृद्धि बहुत तेज गति से होती है, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना आरंभ कर देते हैं और अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा गठित होता है। देखो, मध्य बाल्यावस्था की बात की जा रही है, मतलब 8 से 10 साल की बात की जा रही है साथियों, 9-10 साल, 8-9-10 या 9-10 या 8-9-10, इन सालों की बात की जा रही है। तो इसकी जो सबसे मुख्य विशेषता है, आपको 29वें प्रश्न में इसका उत्तर देना है। तो साथियों, 9-10 साल में बालक अमूर्त रूप से नहीं सोच पाता है, शारीरिक विकास वृद्धि बहुत कम हो जाती है, संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा मुख्य रूप से अधिगम नहीं होता है, बल्कि बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना आरंभ कर देते हैं मध्य बाल्यावस्था के लगभग। तो थर्ड विकल्प 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न है। आपसे मैंने बोल रखा है मनोविज्ञान के पूरे 100 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, ये तो 27वां ही टेस्ट है साथियों। टीचिंग मेथड के पूरे 100 टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, रोड डेली आपके पास टेस्ट आ रहे हैं, हिंदी के पूरे 100 टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखते हैं अंतिम और 30वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? पहला है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, फिर संवाद एवं परिचर्चा, और दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो 30वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए भाई, कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 30 में सही है? तो साथियों, अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है ऐसा पूछा है, ठीक है, नहीं है। तो संवाद और परिचर्चा प्रभावशाली है, प्रयोग और पर्यवेक्षण प्रभावशाली है, अनुमान लगाना अंतर्दृष्टि के द्वारा ये भी यहाँ पर प्रभावशाली है, लेकिन दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना रटने पर आधारित है साथियों, अतः रटना प्रभावशाली नहीं माना जा सकता। तो चौथा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। अगर कोई त्रुटि नजर आती हो तो कमेंट करिएगा, 30 में से कितने सही हुए हमें बताइएगा, और ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक करके पिछले सारे टेस्ट अटेंड कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।